दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि लंबाई को हम किस किस प्रकार नापते हैं और लंबाई को एक दूसरे यूनिट में किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लंबाई की नाप में आता है, सबसे छोटी चीज होती है इंच। जो इंच होती है वो होती है 2.54 सेंटीमीटर। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई इंच होती है, जो होती है 2.54 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आता है, इंच के बाद आता है फुट। तो जो फुट होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। एक फुट में 12 इंच होते हैं। अगर इस 12 को, जैसे एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर एक फुट में 12 इंच हैं तो 12 इंटू 2.4 करेंगे तो सेंटीमीटर बनेंगे। 2.54 गुणा 12 तो ये आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। ये एक फुट में इतने सेंटीमीटर होते हैं। जैसे यदि हमें फुट से सेमी बनाना है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और फुट से हमें इंच बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आता है, फुट के बाद होता है गज। अब जो एक गज होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। अब देखिए, एक फुट में 12 इंच होते हैं तो 3 फीट में कितने होंगे, 3 × 12 अर्थात 36 इंच होंगे। एक गज में 36 इंच होंगे। अब एक गज में अगर हमें सेंटीमीटर निकालना है तो देखिए, एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, और एक गज में 3 फुट, और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो इतने सेंटीमीटर आ जाएंगे। अर्थात 30.48 सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 91.44 सेमी। इतने सेंटीमीटर का एक गज होता है। तो इंच हो गया, फुट हो गया, इस गज हो गया। अब इस गज के बाद आता है, देखो इसके बाद आता है जरीब, जिसे हम चेन भी बोलते हैं। तो इसमें जो एक जरीब होती है इसमें 22 गज होते हैं। जो एक जरीब होती है इसमें 22 गज होते हैं। अब एक गज 3 फीट का होता है तो 22 का अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 66 फीट। एक गज जो है 3 फीट का, तो एक जरीब 22 गज की अर्थात 66 फीट की होती है। अब देखिए, अगर हम इस चेन को इंच की बात करते हैं तो देखिए 66 फीट, एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो अगर हम 66 को 12 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12×6 = 72 और 12×6 = 72 और 7 792 इंच। अब ये जो है, एक जरीब में इतने इंच होते हैं। अगर हमें इस जरीब की अर्थात चेन की लंबाई सेंटीमीटर में लेनी है तो देखिए, यहां से लेंगे, एक फुट होता है 30.48 का, तो 66 फीट कितने होंगे, तो देखिए एक फीट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर, और इसे जब 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2011.68 सेंटीमीटर। अगर इसे हम मीटर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 20.1168 मीटर, और इसे लगभग में एक अंक यहाँ जो बड़ा है तो इसे 20.12 मीटर लिखते हैं। जरीब के बाद
एक जरीब हो गया जो 22 गज की होती है, 66 फीट की होती है, इस जरीब को हम गंटरी जरीब कहते हैं, गंटरी चैन बोलते हैं इसको। देखिए एक चैन होती है, अब इसके बाद आती है फरलांग, इसके बाद फरलांग होता है। तो जो फरलांग होता है ये होता है 10 चैन का, 10 जरीब का ये फरलांग होता है, अर्थात एक जरीब में 66 फीट, तो 10 जरीब में, पहले गज की बात करते हैं, एक जरीब में 22 गज, तो 10 जरीब में 220 गज, एक फरलांग में 220 गज होते हैं। अगर हम फीट की बात करें तो एक चैन में 66 फीट, तो 10 चैन में 660 फीट, 660 फीट। और फरलांग के बाद होता है मील, मील क्या होता है, मील होता है 8 फरलांग या 80 जरीब, इसे हम कहेंगे 8 फरलांग या 80 जरीब। अब देखिए 8 फरलांग बराबर 80 जरीब, अब एक जरीब में 22 गज, तो 80 जरीब में 80 गुणा 22, तो ये हो जाएगा 1760 गज। अगर हमें इसमें फुट की बात करनी है तो देखिए एक जरीब होती है 66 फुट की, 66 फुट की, तो 80 जरीब कितने की होगी, तो 80 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 4 8 6 48 और 4 52, 5280 ये हो जाएगा फीट। तो 1 मील 5280 फीट का होता है। अगर हमें इस मील को मीटर में निकालना है तो देखिए एक जरीब होती है 20.12 मीटर की, तो 80 जरीब अगर हमें इसे 20.12 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 1609.6 मीटर। अगर हम इस जरीब की लंबाई 20.1168 मीटर लेते हैं तो ये आएगा 1609.344 मीटर। तो ये जो मील है वो लगभग 1609 मीटर, 1609.6.5, यानी 1609.5 एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, और ज़्यादा एवरेज मानते हैं तो हम इसे 1609 मीटर ही मानते हैं। लेकिन प्राय आप लोगों को अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर ही मिलेगा, अर्थात 1600 मीटर, ये और कम ले लिया, लेकिन एक्यूरेट में जाएंगे तो हमें 1609 मीटर ही मिलेगा जो एक्यूरेट है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, जो कि एक लगभग वैल्यू है, एक्यूरेट नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी लंबाई से संबंधित जो मैंने आपको इंच फुट गज चैन और फरलांग और मील इन सब के बारे में बताया। दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी अच्छी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी होगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।